हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं राज शंकर झा आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 31 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और लिमिटेड क्वेश्चन ही लेता हूँ, मान लीजिए 12 क्वेश्चन अगर हम ले रहे हैं, मिनिमम एवरेज लेके चलते हैं, फिर भी 240-250 क्वेश्चन हो रहा है मंथली, और ये 250 क्वेश्चन मेमोराइज रखना बहुत बड़ी बात है। खैर, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे, द यूएसए हैज़ एज्ड एक्सपोर्ट कंट्रोल्स फॉर हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सेल्स टू इंडिया बाई एलिवेटिंग इट्स स्टेटस टू STA1 कंट्री। STA स्टैंड फॉर, अभी अभी USA ने एक हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया है इंडिया के लिए, वो STA1 कंट्री के स्टेटस को एलिवेट करने के लिए, घटाने के लिए। तो वो STA स्टैंड फॉर, जो STA है वन कंट्री, वो STA का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, यही है STA1 का फुल फॉर्म। और इसी को USA ने हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सेल्स के लिए किया है, कंट्रोल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज लॉन्च्ड ए स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम कॉल्ड मोबाइल तिहार। तिहार है, तिहार उसके नाम से नहीं, लेकिन एक तिहार जेल है इंडिया में, सबसे बड़ी जेल है दिल्ली में, ठीक है, इंडिया की। अंडर संचार क्रांति योजना विथ एक्ट्रेस कंगना रनौत, जो अभी अभी उस स्टेट का नाम बताइए, उस राज्य का नाम बताइए जिसने कि एक स्कीम लॉन्च किया है, उसका नाम है मोबाइल तिहार। और जो संचार क्रांति योजना है, इसी के ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत, और इन्हीं इसी के अंडर ये मोबाइल तिहार लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सा स्टेट है जिसने कि मोबाइल तिहार लॉन्च किया है? ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जिसने कि मोबाइल तिहार लॉन्च किया गया है। और छत्तीसगढ़ का गंगा महानदी है, ये जानते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन कुमार सिंह, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं बलराज रामजी दास टंडन, इजंट इट। अमेरिकन एंड स्पेनिश साइंटिस्ट have discovered a new shape called while studying nature's way of molding tissue to form the skin cavity linings and the building blocks of organs. अमेरिका और स्पेन दोनों के साइंटिस्ट ने मिलकर एक शेप खोजा है, उस शेप का नाम क्या है? इस शेप से हम लोग यही हुआ कि वाइल स्टडिंग नेचर, जब हम लोग किसी भी नेचर या वे ऑफ मोल्डिंग का अध्ययन कर रहे होंगे, टिश्यू टू फॉर्म द स्किन कैविटी का, लाइनिंग्स का, बिल्डिंग्स का, ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गन्स का, तो उससे हम लोग इससे बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल रहेगा। तो उस अमेरिका और स्पेनिश ने, ये जो दोनों के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही न्यू सेप खोजा है, इस सेप को क्या कहते हैं? इस सेप को कहते हैं स्कूटैड। स्कूटैड ही ऐसा सेप है जिससे कि हम लोग जब भी वाइल स्टडी नेचर वे ऑफ मोल्डिंग टिश्यू टू फॉर्म द स्किन कैविटी लाइनिंग्स एंड द बिल्डिंग ऑफ लोकन इज द फ्रूटफुल फॉर अस टू डिस्कवर द बोथ ऑफ द साइंटिस्ट अमेरिकन एंड स्पेनिश, इजंट इट। समझ गए आप लोग, यही दोनों साइंटिस्ट मिलकर खोजा है। इस कॉल का सेप का नाम है इसको टाइम, जिससे हम लोग स्टडिंग नेचर वे ऑफ मोल्डिंग टिश्यू स्किन कैविटी लाइनिंग्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गन्स, यही यूज होगा हम लोग का। नेम द इंडियन कंपनी दैट हैज बीट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टू बिकम द मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन इंडिया। पिछले साल भी सबसे वैल्यूबल कंपनी यही थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इस साल भी जो टाटा कंसल्टेंसी को बीट कर दिया है इन्होंने, बीट करके आगे बढ़ गए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इस साल की भी सबसे मोस्ट वैल्यूबल कंपनी ऑफ इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, जिसके कि चेयरमैन MD फाउंडर, जो फाउंडर नहीं है, चेयरमैन है मुकेश अंबानी, और रिलायंस कम्युनिकेशन के जो चेयरमैन है वो है अनिल अंबानी, ठीक है। ये है, तो ये टाटा कंसल्टेंसी ने बीट कर दिया है, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फिर 2017 में भी सबसे टॉप मोस्ट कंपनी थी, और 2018 में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही टॉप मोस्ट। Name the best-known in Bengali writer whose story Rimani was made into a Hindi movie. एक डॉक्टर की मौत, who passed away recently. उस अनुभवी बंगाली राइटर का नाम बताइए जिसने एक अभिमन्यु स्टोरी लिखी है, जिसमें कि एक मूवी, एक डॉक्टर की मौत की जो है मूवी, हिंदी मूवी, एक डॉक्टर की मौत हुई है, एक डॉक्टर की मौत हिंदी मूवी, एक डॉक्टर की मौत में अभिमन्यु के लिखे थे ये, तो कौन थे वो? नेम द बेटर बंगाली राइटर, उस बेटर का ये हैं रामा पाड़ा चौधरी,
ये रमा पाड़ा चौधरी ही हैं, वेटरन बंगाली राइटर जिसने की अभिमन्यु को स्टोरी लिखी है और जिसका की भूमिका एक डॉक्टर की मौत में हुई है। ठीक है, रमा पाड़ा चौधरी। हु इज द अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। अभी अभी जो HSBC के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है इंडिया, तो ये नियुक्त किया गया है सुरेंद्र रोसा को, और ये सुरेंद्र रोसा जयंत रिखिए को रिप्लेस करेंगे। इन द सेंस कि अभी जो हैं कल तक वो जयंत रिखिए ही थे सीईओ, और इसको रिप्लेस करेंगे सुरेंद्र रोसा ने। सुरेंद्र रोसा अभी सीईओ हो गए हैं HSBC के। HSBC का हेडक्वार्टर लंदन UK में है, और HSBC एक फॉरेन बैंक है, और HSBC के जो प्रेसिडेंट है वो है स्टुअर्ट लेविस हैं इनके HSBC के सीईओ प्रेसिडेंट सॉरी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन UK में है। नेम द पेटीएम पेमेंट्स बैंक सीईओ हु हैज रिजाइंड रिसेंटली फ्रॉम द रोल एंड विल नाउ हेड पेटीएम्स न्यू रिटेल इनिशिएटिव। उस चीफ इकोनॉमिक सीईओ जो द उस पेटीएम पेमेंट्स बैंक सीईओ के नाम बताइए, हु हैज रिजाइंड रिसेंटली, अभी भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये शायद 1 ईयर या 9 मंथ पहले ही कोई अपॉइंट किया गया था रेणु सती को, और ये जो हैं किसी वजह तो नहीं पता, लेकिन यही रिजाइन दे दी है रेणु सती। सीईओ में होता है चीफ एफेयर्स ऑफिसर, और बस रेणु सती हैं जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ थी, और फाउंडर जो है MD जो है वो विजय शेखर शर्मा है, और ये रेणु सती का जो पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो ग्रेटर नोएडा नोएडा में है इनका हेड ऑफिस। ठीक है, थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल टुक प्लेस इन डरबन साउथ अफ्रीका अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल डरबन फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया फिल्म्स हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। अभी अभी जो तीसरा ब्रिक्स फिल्म सम्मेलन आयोजन हुआ है डरबन साउथ अफ्रीका में, उसमें बेस्ट फिल्म इंडियन फिल्म फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया फिल्म से बेस्ट फिल्म किसे या बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे दिया गया है। फिल्म भी आगे देखते हैं, फिल्म भी आएगा, तो वो है वनिता दास। वनिता दास को ही बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है ये थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में जो कि डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ है, ये हो रहा है। ठीक है, वनिता दास को। द फर्स्ट नेपाल इंडिया थिंक टैंक समिट वॉज हेल्ड रिसेंटली इन टू फोस्टर ग्रेटर कोलाबरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग एमंग द थिंक टैंक्स ऑफ द टू कंट्रीज। अभी अभी नेपाल इंडिया थिंक टैंक समिट हुआ है, कहाँ हुआ है वो, अभी रिसेंटली, जिससे कि हम लोग फोस्टर ग्रेटर कोलाबरेशन कर सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं एमंग द थिंक टैंक्स बिटवीन द टू कंट्रीज। इन द सेंस ये कहाँ मीटिंग हुआ है, ये काठमांडू में हुआ है। नेपाल इंडिया जो थिंक टैंक समिट है वो काठमांडू में हुआ है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं वो विद्यादेवी भंडारी हैं, और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो खड़गे प्रसाद ओली हैं। ओके, द थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन डरबन साउथ अफ्रीका विच इंडियन फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड। अभी अभी क्वेश्चन आया था कि किसे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है इंडियन फिल्म में, तो वो है वनिता दास थी। और अभी जो थर्ड ब्रिक्स फिल्म उसी में दिया है जो डरबन साउथ अफ्रीका में हो रहा है या हुआ है, उसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड इंडियन फिल्म किसने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है इंडियन फिल्म में, वो न्यूटन ने जीता है। न्यूटन ही है जो इंडियन फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द फेस्टिवल में। वेयर वॉज द इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2018 इनॉग्रेटेड ऑन 28 जुलाई 2018। अभी अभी इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का उद्घाटन हुआ है, ये 28 जुलाई को मनाया जाता है 2018 को। ये कहाँ हुआ है इंटरनेशनल आर्मी गेम्स, ये मॉस्को में हुआ है जो कि रसिया में है, मॉस्को। ठीक है, ये मॉस्को में हुआ है जो कि रसिया में है। वेयर इज़ द कैलेसर नेशनल पार्क लोकेटेड। बस दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं एक लास्ट क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व से समाप्त करता हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज कैलेसर नेशनल पार्क लोकेटेड। ये कैलेसर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा में है, और हरियाणा जो है जो वैट लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर,
और हरियाणा के जो गवर्नर हैं वो कप्तान सिंह सोलंकी हैं। ठीक है, बस हरियाणा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और बस हरियाणा में अभी भी प्लास्टिक बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आप लोग अच्छा लगा होगा। चलिए इसी के साथ आपको इजाज़त दीजिए, कल फिर मैं लेके आऊँगा क्वेश्चन। थैंक्स, और एक फिक्स टाइम नहीं ले पाता हूँ, ऐसे बहुत कम व्यूअर हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बिजी चल रहा है, क्वेश्चन लाइट डिस्टर्ब चल रहा है, इसलिए हम एक फिक्स टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं क्वेश्चन। पर हाँ, 15 अगस्त के बाद मैं एक फिक्स टाइम से क्वेश्चन दूंगा, और बच्चे जुड़ा ना जुड़े मैं तो एफर्ट करता ही रहूँगा, चाहे 10 बच्चे देखे, 5 बच्चे देखे, या मैं ही खुद देखूँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस यही बोलना चाह रहे थे, शेयर कीजिएगा आप लोग, तभी तो कुछ बच्चे आएंगे। खैर चलिए, रोज़ रोज़ एक ही बात कितनी बोलेंगे आप लोग, बोलते हैं कितने बोलते हैं। चलिए ठीक है, मैं कल फिर आता हूँ। ओके।